हेलो फ्रेंड्स, रिक्की वर्मा टूर्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान, राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर लेक सिटी उदयपुर में। तो फ्रेंड्स, इससे हम जो आप ये व्यू देख रहे हैं, यह फतेह सागर की है। यहाँ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये फतेह सागर। हम कल नाइट को यहाँ पर पहुँचे थे, तो अभी हमने सबसे पहले हमने जो प्लान बनाया है वो यहाँ पर आकर फतेह सागर का है। तो आप देख सकते हैं, इस टाइम 10 बजे का टाइम है सुबह के, और काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट भी आए हुए हैं यहाँ पर, और टूरिस्ट भी अभी आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। धीरे धीरे जो है, जैसे 12-1 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर हमने देखा कि शाम को आना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज संडे है, और संडे को जो लोकल पब्लिक भी है, जो उदयपुर की या आसपास नज़दीक के 50-60 किलोमीटर के एरिया के लोग भी जो यहाँ पर आ जाते हैं। हमें लगता है यहाँ की ये सबसे खूबसूरत जगह है। आसपास देख सकते हैं आप कितने पहाड़ियाँ हैं, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बैक साइड पे काफ़ी सारे आपको खाने पीने की जो स्टॉल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं राजस्थान की, गुजराती, आप जैसा भी आप खाना पसंद करते हो, आप हर चीज़ आपको जो है मिल जाएगी। बोटिंग हाउस के ठीक सामने है, आप देख सकते हैं, और बोटिंग यहाँ पर करने का एक अलग से मज़ा है। दो तरह की बोटिंग यहाँ पर होती है, एक तो 90-100 लोग एक बोट पर जो चले जाते हैं, और दूसरी जो बोटिंग होती है यहाँ पर वो पर्सनल एक बोट होती है जो काफ़ी तेज़ी से चलती है, उस पे होती है। अगर आप उदयपुर किसी भी जगह पर आए हो, तो सबसे आसान तरीका या तो आप लोकल टैक्सी कर लो, या फिर आप ये जो ऑटो रिक्शा होते हैं ये भी आपको अच्छे से घुमा देते हैं। इनका फ़ायदा ये भी रहता है, जैसे उदयपुर शहर के अंदर बहुत तंग तंग गलियाँ हैं, वो भी आप आसानी से ऑटो रिक्शा में घूम सकते हो। ये आपकी ऑप्शन है, आप ऑटो से या टैक्सी से किस चीज़ भी घूम सकते हो, अपना व्हीकल भी आप लेके जा सकते हो। रास्तों का ना पता उनका बार बार किसी से पूछने से अच्छा है टैक्सी या ऑटो रिक्शा आप कीजिए। तो देख सकते हैं आप सामने का खूबसूरत नज़ारा। हमने जो यहाँ पर देखा है, जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर प्री वेडिंग के लिए भी आ रहे थे, वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी फेमस है। काफ़ी जगह है यहाँ पर आसपास भी, हम ज़्यादा तो नहीं घूमे यहाँ पर, इसी जगह पर हम निशुल्क पार्किंग पर हमने गाड़ी लगाई और हम वॉक करते करते यहाँ तक जो है आ गए। जैसे हम भी ब्रेकफास्ट जो है करके नहीं आए थे, हमने भी जो यहीं पर जो है ब्रेकफास्ट किया है। काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पर खाने पीने का मिल जाता है, अगर आप होटल से नहीं करके आ रहे तो आप यहाँ पर भी अच्छी ऑप्शन है। ये चीज़ें हमें कल जो है बता दी गई थी, जब हम यहाँ पर आए थे जहाँ पर हमने डिनर किया था, तो वहाँ से हमने पूछा था कि उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। एक टाइम हमें तो, जब हम पहले उदयपुर रात को आए थे, तो इतना व्यू हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो जब हम सुबह उठे और आसपास का व्यू देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम राजस्थान में नहीं, हिमाचल में आ गए हैं। जैसे हम जयपुर से आ रहे थे, जयपुर से लेकर भी उदयपुर तक बहुत ही ज़्यादा जो है पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही थी रास्ते में। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं आप आगे का नज़ारा। एक सामने यहाँ पर एक ऊपर टेंपल हमें नज़र आ रहा था, वहाँ पर रोप वे भी जा रहे थे, तो हमने यहाँ पर किसी पता किया था, वो कह रहे ये माता जी का टेंपल है, जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस है टेंपल। रोप वे से आप जो है ऊपर की तरफ जो है जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत नज़ारा हमें जो है लग रहा है ये। और जब भी आप उदयपुर आओ, तो सबसे पहले फतेहपुर लेक से ही आप स्टार्टिंग करो। गर्मियों में शाम को आ सकते हो, जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो आप मॉर्निंग में भी आ सकते हो यहाँ पर। तो गाइज, हम दूसरी तरफ चलते हैं, आपको दूसरी तरफ का भी जो है नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज, हम वॉक करते करते अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सामने आप मंदिर दिखाई दे रहा है ना आपको,
ये बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पर जो है रोप वे जाते हैं। थोड़ा सा और नज़दीक जाके मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन आगे जाके आपको फिर से देंगे, थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे तो जहाँ पर भी हम खड़े हो जाए तो आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। हमने एक चीज़ नोट की है, ये जो झील है ये सड़क के किनारे जो सड़क जा रही है बिल्कुल झील के आसपास घूम रही है। काफ़ी बड़ी झील है यहाँ पर, ये मैनमेड झील है। हमें यहाँ पर भी किसी ने बताया है कि राजाओं ने ये झील का जो निर्माण जो है किया था। तो गैस अब चलते हैं, हम पार्किंग की तरफ चलते हैं और वहां का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो गैस जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हम इस झील का नाम फतेह सागर है, फतेह सागर झील करके झील का नाम है। ये यहां पर छोटा सा एक बांध बना हुआ है जो जब झील बहुत ज़्यादा पानी से भर जाती है तो इस यहाँ से ये खोल दिया जाता है और पानी जो है इसी नाले से शहर से होते हुए और आगे की तरफ जो है चला जाता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर किया है सिस्टम इन्होंने। तो दूसरी तरफ भी आप नज़ारा आप देख सकते हैं आप। ये जो रोड हम इधर से आए हैं और इस तरफ हम जो है जब शहर की तरफ आप जा सकते हैं। आगे हमने किसी ने हमें बताया कि आगे तरह तरह की जो फिश यहाँ पर पाई जाती है उसकी भी एक गैलरी यहाँ पर जो है बनी हुई है और उसका भी चार्जेस 160 करके चार्जेस है उसका। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। टाइम की कमी होने के कारण हम आपको जितनी भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो देंगे और हम शायद इतनी जगह नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम कम है। तो ये पार्किंग है, ये निःशुल्क पार्किंग है। इसी पार्किंग पर आप गाड़ी खड़ी करके यहाँ से भी आप अपनी गाड़ी खड़ी करके यहीं से आप ऑटो रिक्शा लीजिए और जहाँ जहाँ भी आपने घूमना है वहाँ पर ऑटो रिक्शा से आसानी से आप घूम सकते हैं। 200-300 रुपये करके उसका चार्जेस है, वो आपको 10-12 जगह पर यहाँ पर जो है घुमा देगा। जैसे सिटी के अंदर जगदीश टेम्पल और एक अन्य टेम्पल भी है, काफ़ी मशहूर दो टेम्पल है और भी काफ़ी चीज़ें आपको जो है सिटी पैलेस काफ़ी चीज़ें जो है घूम सकते हैं। सहेलियों का बाड़ा भी यहीं पर है तो ये सामने आप टेम्पल भी आप विजिट कर सकते हो जब यहाँ पर आओ। तो ये रोपवे जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कुछ चने के अंदर ये काफ़ी चीज़ें पीसे हुए चने दाल और काफ़ी चीज़ें मिक्स करके ये देते हैं। तो यहाँ पर इसका झील का आनंद भी लीजिए और इसे भी खाने का आनंद आप ले सकते हो यहाँ पर। अच्छी हमें ये भी हमने भी ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप 30-40-50 जैसा भी आपको क्वांटिटी में चाहिए आपको ये बना के अच्छी तरीके से जो है दे देंगे। तो देख सकते हैं आप जहाँ जहाँ भी आप झील को देखें जिस एंगल से मर्जी आप झील को देखिए उस एंगल से भी आपको जो झील है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स आज 17 दिसंबर का दिन है और आप देख सकते हैं संडे है आज। इतनी ज़्यादा हमें तो खुशी हुई, हमने अच्छा यहाँ पर सबसे पहले चुना कि हम सबसे पहले उदयपुर में यहीं पर आए हैं। तो आपने भी अगर उदयपुर आना है तो सबसे पहले आप फतेह सागर और फिर अन्य जगह पर, यहाँ पर सहेलियों का बाड़ा यहाँ नज़दीक ही है और यहाँ पर भी घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। तो आप जब भी आप उदयपुर आओ तो फतेह सागर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, आपका आधे दिन से ज़्यादा यहाँ पर आराम से बीत सकता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, हम हमेशा नए से नए वीडियो लेकर आपके साथ आपके पास आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे हमेशा। तो आपके सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्की वर्मा टूर्स, हम नए से नए वीडियो लेकर हमेशा आपके पास आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।